ठीक है, स्ट्रक्चर्स मतलब क्या होगा कि अगर हमें मान के चलो इंटीजर डेटा लेना है, ठीक है, कौन सा डेटा? इंटीजर डेटा, ठीक है, तो उसके लिए वेरिएबल कौन सा लगेगा हमको? इंटीजर वेरिएबल लगेगा, ठीक है। अगर हम लोग को कैरेक्टर डेटा लेना है तो कैरेक्टर वेरिएबल लगेगा, ठीक है। अगर फ्लोट डेटा लेना है तो फ्लोट डेटा लग फ्लोट वेरिएबल लगेगा, ठीक है। अगर वैसे ही हम लोग को डबल डेटा लेना है तो डबल वेरिएबल लगेगा, ठीक है। तो हम लोग को अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग टाइप के वेरिएबल भी लेने पड़ेंगे, ठीक है। अगर हम लोग चाहते हैं कोई एक ऐसा वेरिएबल बना ले, कोई एक ऐसा वेरिएबल बना ले जो इंटीजर डेटा भी स्टोर करे, कैरेक्टर भी करे, फ्लोट भी करे और डबल भी करे, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है। क्या बोलेंगे? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। कोई एक ऐसा डेटा टाइप हम लोग बनाए जिसमें इंटीजर वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, डबल वैल्यू, सभी के सभी वैल्यू स्टोर हो पाए, ठीक है। जैसा हमने कुछ दिन पहले एरे पढ़ा, एरे में हम लोग ने क्या पढ़ा कि हम लोग सिंगल डेटा टाइप के मल्टीपल वैल्यू स्टोर करते थे, सिंगल डेटा टाइप के मल्टीपल वैल्यू स्टोर करते थे, वैसे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंगल डेटा टाइप में मल्टीपल डेटा टाइप्स के वैल्यू स्टोर करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग? सिंगल डेटा टाइप में मल्टीपल डेटा टाइप के वैल्यूज को स्टोर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, देखो यहाँ पे अगर मैं चाहता हूं कि इंट रोल नंबर, ठीक है, कॉपी वॉपी छोड़ दो अभी, पहले इधर ध्यान से समझो, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन नंबर 21 नहीं बन पाएगा। 21 कौन सा? 19, ठीक है। अब देखो, मैंने एक वेरिएबल लिया इंटीजर रोल नंबर, ठीक है, सेकंड में लेता हूं कैर नेम, ठीक है, सेकंड क्या लिया? कैर नेम, एक एरे टाइप का है, एरे टाइप का है। फिर उसके बाद मैं लेता हूं फ्लोट मार्क्स, ठीक है। मैंने तीनों अलग अलग डेटा टाइप के वेरिएबल बनाए, ठीक है, तीनों मैंने क्या बनाया? अलग अलग डेटा टाइप का वेरिएबल बनाया। अब मैं चाहता हूं कि तीनों को एक ही डेटा टाइप में स्टोर कर दूं। क्या चाहता हूं? कि तीनों को एक ही डेटा टाइप के अंदर स्टोर करो और मैं एक ही सिंगल वेरिएबल बनाऊं, ठीक है। मैं ऐसा वेरिएबल बनाना चाहता हूं, स्टूडेंट मैं बनाऊंगा S1, और इस S1 के अंदर में ये तीनों अवेलेबल हो, ठीक है। S1 के अंदर ये तीनों वैल्यूज अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या बना लेंगे? एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाएंगे? लिखेंगे स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट एक कीवर्ड होता है, STRUCT, स्ट्रक्ट। क्या होता है? स्ट्रक्ट एक कीवर्ड है जो हेल्प करता है हमें एक स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। हम लोग यहाँ पे एक लिखेंगे कीवर्ड और उसके बाद हम लोग लिखेंगे स्ट्रक्चर नेम। स्ट्रक्चर नेम हम लोग देंगे स्टूडेंट, ठीक है। स्ट्रक्चर नेम हम लोग ने स्टूडेंट दिया, ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया और लगा दिया सेमी कॉलन, ठीक है। हम लोग ने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया, ठीक है। हम लोग कैसे क्रिएट किए? स्ट्रक्ट कीवर्ड से, ठीक है। स्ट्रक्ट एक कीवर्ड होता है, ठीक है, और उसके साथ में हम लोग ने यहाँ पे लिखा स्ट्रक्चर नेम। क्या लिखा यहाँ पे? स्ट्रक्चर नेम। इस स्ट्रक्चर का नेम क्या है? स्टूडेंट है, और स्टूडेंट के अंदर तीन मेंबर अवेलेबल है। कितने मेंबर? तीन मेंबर्स है इसके अंदर। स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी हम लोग वेरिएबल्स बनाएंगे सबको हम लोग मेंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंबर्स, मेंबर्स या फिर डेटा मेंबर्स हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इंटीजर रोल नंबर, कैर नेम, फ्लोट मार्क्स, ठीक है, तीन मेंबर हमने यहाँ पे ले लिया। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, और इसको हम लोग एक ब्रैकेट के अंदर ले लिया और सेमी कॉलन लगा दिए, तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर बन गया। अब हम लोग चाहे तो इस स्टूडेंट स्ट्रक्चर के जितने चाहे उतने वेरिएबल्स बना सकते हैं, ठीक है, जितने चाहे उतने वेरिएबल्स बना सकते हैं। हम लोग ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1, ठीक
ठीक है, कॉमा देके एस टू बना लो, ठीक है, कॉमा एस थ्री बना लो, कॉमा एस फोर बना लो। इस प्रकार से हम लोग कितने भी वेरिएबल्स इसके बना सकते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे को लेने हैं यहाँ पे डेटा, ठीक है, कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे, जैसे मान के लो पीजी स्टूडेंट्स है, ठीक है, 107 स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो क्या होगा, हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट कितने बनाएंगे, 107 ऑब्जेक्ट इसके बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर वेरिएबल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब अगर मान के चलो कि हम लोग स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं, स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं, तो इस पर्टिकुलर स्टूडेंट के ये तीन डेटा हम लोग कैसे स्टोर करेंगे। अभी ऐसा अज्यूम करो हमको स्ट्रक्चर नहीं पता, ठीक है, और पर्टिकुलर एक स्टूडेंट के तीन डेटा है, रोल नंबर, नेम और मार्क्स, तीनों को स्टोर करना है और सभी का इंडिविजुअल स्टोर होना चाहिए। कैसे करोगे, ठीक है, जैसे 100 स्टूडेंट है तो 100 रोल नंबर डिक्लेयर करोगे, है ना, 100 रोल नंबर के लिए 100 वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2 अप टू 100, ठीक है। नेम के लिए क्या करोगे, 100 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, 100 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। मार्क्स के लिए भी कितना वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, 100 वेरिएबल, ठीक है। तो कितने हो गए वेरिएबल टोटल, 300 वेरिएबल हो गए, ठीक है। एक डेटा जैसे मान के चलो इंटीजर रोल नंबर है, ठीक है, कितना बाइट्स लेता है, 2 बाइट्स लेता है, ठीक है। कैर कितना लेता है, जितना उसका साइज होगा उतना बाइट्स लेगा, ठीक है, मतलब 25 बाइट्स, ठीक है। और फ्लोट कितना लेगा, 4 बाइट्स, ठीक है। कितना हो गया टोटल, 25 प्लस 2, 27 प्लस 4, कितना हो गया, 31 बाइट्स ले रहा है, सिंगल डेटा 31 बाइट्स की मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो 100 डेटा कितना होगा, मल्टीपल वैल्यूज हम लोग को स्टोर करना है, मतलब 31 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना होगा, 3100, ठीक है। तो कितना बाइट्स हो गया, बहुत सारा हो जाएगा, प्रोग्राम कितना बड़ा बनेगा हमारा, 100 वैल्यूज को इनपुट लेना है, ठीक है, मतलब 300 वैल्यूज को इनपुट लेना है, रोल नंबर को 100 बार, नेम को 100 बार और मार्क्स को 100 बार, ठीक है। तो प्रोग्राम कितना बड़ा बनेगा और इनपुट भी कितने बार देंगे हम लोग, 300 बार इनपुट देंगे क्या, नहीं देंगे, ठीक है। तो इसी का सॉल्यूशन क्या है कि हम लोग एक स्ट्रक्चर बना ले और इसको एक जनरलाइज नेम दे दे, ठीक है, और इसको हम लोग बोल देंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो हम लोग इसको एक स्ट्रक्चर बना लिए, स्ट्रक्चर जिसके अंदर मल्टीपल डेटा टाइप्स के हम लोग वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 3 ही वैल्यू हम लोग ले सकते हैं, कितनी भी हम लोग वैल्यूज ले सकते हैं, कितने भी मेंबर इसके अंदर हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। जैसे एक्सेल शीट बनता है, एक्सेल शीट जानते हो, उसमें हम लोग टेबल बनाते हैं, ठीक है, उस टेबल के अंदर बहुत सारे कॉलम्स बनते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो मैं यहाँ एक्सेल शीट दिखाता हूं, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिया रोल नंबर, ठीक है, नेम और मार्क्स, इसके अंदर हम लोग कितने डेटा स्टोर कर सकते हैं, जितने हमारे पास रोज अवेलेबल होंगे उतने, ठीक है, 10-20 लाख रोज अवेलेबल होते हैं इसके अंदर, ठीक है, उतने नंबर ऑफ डेटा हम लोग इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ये तो एक शीट की बात हुई, मल्टीपल शीट्स यहां से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितने रोज बन रहे हैं सभी के सभी एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हम लोग जनरलाइज कर दिए कि हमने एक डेटा स्टोर करना है यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, डेटा स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग ने इसको भी बोला स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट की डिटेल्स हम लोग यहाँ पे स्टोर करेंगे, और कौन कौन से डिटेल्स स्टोर करेंगे, रोल नंबर, नेम और मार्क्स, ठीक है। ये तीन मेंबर किसके, इस स्टूडेंट के, हम लोग ने एक स्ट्रक्चर बनाया स्टूडेंट, ठीक है, और उसमें तीन मेंबर हमने बना लिया। अब इस तीन मेंबर के अंदर हम लोग अलग अलग टाइप के डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है।
आया समझ में? ठीक है, तो हर एक डेटा इंडिविजुअल होगा, ये डेटा इंडिविजुअल होगा, ये डेटा इंडिविजुअल होगा, ये डेटा इंडिविजुअल होगा, सबके सब इंडिविजुअल होंगे। ठीक है, एक दूसरे से लेना देना नहीं होगा। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे एक स्टूडेंट एस वन हमने बनाया तो उसको इस एस टू से कोई लेना देना नहीं होगा। सबके सब इंडिविजुअल एलिमेंट बनेंगे या फिर ऑब्जेक्ट बनेंगे, और एस वन एस टू एस थ्री जितने भी ऑब्जेक्ट बन रहे हैं सबके पास अलग अलग ये तीन डेटा होंगे। ठीक है, मतलब अगर इस पर्टिकुलर वेरिएबल की अगर हम लोग बात करें तो एस वन वेरिएबल के अंदर तीन मेंबर अवेलेबल होंगे, कौन कौन से? रोल नंबर, नेम और मार्क्स। एस टू के अंदर कौन सा अवेलेबल होगा? रोल नंबर, नेम और मार्क्स। ठीक है, एस थ्री के अंदर भी रोल नंबर, नेम और मार्क्स। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया पक्का? तो यहाँ पे हमने क्या बनाया, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हमने बना लिया, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। जैसा यूजर डिफाइंड फंक्शन हमने बनाया था वैसे यहाँ पे क्या बना लिया, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हमने बना लिया, जो हम अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। हमने स्टूडेंट बनाया, हम लोग चाहते तो कॉलेज नाम से बना सकते थे, ठीक है, कुछ भी नाम से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए यहाँ पे सिंटैक्स देखते हैं इसका। ठीक है, देखो व्हाट इज स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इन सी इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट इनेबल अस टू स्टोर कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। ठीक है, इसके अंदर क्या रहेगा, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। ठीक है, ईच एलिमेंट ऑफ ए स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ए मेंबर। जितने एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे मतलब जितने वेरिएबल्स होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेंबर्स बोलेंगे। ठीक है, क्लियर? द स्ट्रक्ट कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्ट कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्ट एक प्री डिफाइंड कीवर्ड्स होते हैं। कितने कीवर्ड्स अवेलेबल होते हैं सी में? 32 कीवर्ड्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, 32 में से कोई एक कीवर्ड जो होगा स्ट्रक्ट होगा। ठीक है, अब यहां पे आते हैं इसके सिंटेक्स पे। सिंटेक्स कैसे बनेगा इसका, हम लोग सबसे पहले यहां पे लिखेंगे स्ट्रक्ट, दिख रहा है ना स्ट्रक्ट, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्ट्रक्चर नेम। ठीक है, कोशिश करना स्ट्रक्चर नेम का पहला लेटर कैपिटल ही हो। ठीक है, पहला लेटर क्या लिखेंगे हम लोग, कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, इससे हम लोग को ये समझ में आएगा कि वो स्ट्रक्चर है। ठीक है, वैसे कीवर्ड तो रहेगा ही रहेगा, साथ में हम लोग को यहाँ पे फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखना होता है। ठीक है, समझ में आया? फिर उसके बाद हम लोग कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर उसके अंदर हम लोग जितने भी इसके मेंबर हम लोग को बनाना है वो बना लेंगे। ठीक है, अलग अलग डेटा टाइप के भी हो सकते हैं, सेम डेटा टाइप के भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि अलग अलग टाइप के ही डेटा टाइप के वेरिएबल्स बनाना है, जो नेसेसरी है उस डिटेल स्टोर करने के लिए उसके वेरिएबल्स हम लोग वहां बना सकते हैं। ठीक है, फिर लास्ट में क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे और लगा देंगे सेमीकोलन। ठीक है, तो ये हमारा सिंटैक्स है किसी भी स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का। ठीक है, हम लोग इसको कभी भी डिक्लेयर नहीं करते हैं, जैसा फंक्शन डिक्लेयर होता था स्ट्रक्चर को डिक्लेयर नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डिफाइन करेंगे। ठीक है, और कहां पे करेंगे, मेन के बाहर में। ठीक है, इसको नोट करो, देखो इस एग्जांपल में देखो। ठीक है, यहां पे हमने एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया है। ठीक है, क्या डिफाइन किया है, स्ट्रक्चर डिफाइन किया है। ठीक है, स्ट्रक्चर का नेम है एम्प्लॉय, क्या है, एम्प्लॉय। ठीक है, हमने यहाँ स्ट्रक्ट कीवर्ड लगाया और उसके बाद लिखा एम्प्लॉय। ठीक है, यहाँ पे ई हम लोग कैपिटल लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, लेकिन ठीक है बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि हम लोग यहाँ पे कैपिटल लिखे। ठीक है, फिर उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट किया, इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या बना लिया, एक आईडी बना लिया। ठीक है, आईडी का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। ठीक है, सेकंड हम लोग ने कैर नेम ऑफ साइज 20, ये एक एरे टाइप का है। ठीक है, फिर उसके बाद फ्लोट सैलरी। ठीक है, तो तीन मेंबर हमने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, अब इसको मेमोरी कैसे मिलेगी, इसमें हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, जब भी इसको मेमोरी एलोकेट होगी तो मेमोरी जो होगी वो कंटिन्यूस फॉर्म में होगी, जैसे लीनियर एरे में कंटिन्यूस फॉर्म में उसको मेमोरी मिलता था, सेम वैसे ही इसको मेमोरी मिलेगा, क्योंकि ये सिंगल डेटा टाइप है। क्या है, सिंगल डेटा टाइप है।
ठीक है, तो सिंगल डेटा टाइप में तीन अदर डेटा टाइप के डेटा अवेलेबल है। ठीक है, हमने एम्प्लॉय क्या बनाया, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना लिया। ठीक है, इस एम्प्लॉय डेटा टाइप के अंदर तीन टाइप के डेटा है, कौन कौन से, आईडी, नेम और सैलरी। ठीक है, समझ में आया। तो इसको जो मेमोरी मिलेगा वो कंटिन्यूस फॉर्म में ही मिलेगा। ठीक है, अब इस डायग्राम पे ध्यान से देखना, यहाँ पे जो मेमोरी है, ठीक है, अलग अलग मेमोरी ब्लॉक्स है यहाँ पे। ठीक है, मेमोरी का एड्रेस स्टार्ट हुआ है 1000 से, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 1000। ठीक है, जो इंटीजर है वो कितना बाइट लिया, 4 बाइट लिया। ठीक है, 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट, कितना बाइट लिया, 4 बाइट। वहां से डोर बंद कर, ठीक है, 4 बाइट्स लिया। देन उसके बाद है नेम, नेम कितना लेगा, ठीक है, यहाँ पे 1004 से लेके 1014 तक लिया, मीन्स 10 बाइट्स लिया। ठीक है, वो डायनामिक होगा। ठीक है, अलग अलग मशीन्स के हिसाब से अलग अलग मेमोरी लेता है। ठीक है, 16 बिट मशीन यूज करोगे तो अलग टाइप से लेगा। ठीक है, 32 लोगे तो अलग टाइप से लेगा, 64 बिट मशीन में चलाओगे तो अलग लेगा। ठीक है, जो मेमोरी साइज इसकी डिफाइन की जाती है वो 16 बिट मशीन के हिसाब से की गई है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग टर्बो सी यूज करेंगे या कोई दूसरा कंपाइलर यूज करेंगे, ठीक है, तो उसका 32 बिट मशीन में और 64 बिट मशीन में अलग अलग हो जाता है। ठीक है, लेकिन मिनिमम वो कितना लेगा, जितने भी इसका साइज होगा उतना ही लेता है। ठीक है, तो ऐसा एज्यूम करो, यहाँ से हम लोग को 4 बाइट लिया इंटीजर। ठीक है, उसके बाद 10 बाइट क्या लिया, नेम ले लिया, फिर उसके बाद सैलरी कितना ले लिया, 4 बाइट ले लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं साइज ऑफ ईएमपी। ईएमपी क्या है, इसका वेरिएबल है। किसका वेरिएबल है, स्ट्रक्चर का वेरिएबल है। ठीक है, मतलब इसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया ईएमपी। अब अगर हम लोग इसका साइज निकालेंगे तो साइज कैसे निकलेगा, 4 प्लस 10 प्लस 4 इक्वल टू 18 बाइट्स। ठीक है, 4 प्लस 10 प्लस 4 18 बाइट्स का ये साइज ले रहा है। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पे साइज ऑफ इंट इक्वल टू 4 बाइट, साइज ऑफ कैर इक्वल टू 1 बाइट, साइज ऑफ फ्लोट इक्वल टू 4 बाइट। ठीक है, तो 1 बाइट कैर ले रहा है, मतलब इसमें अगर 20 कैरेक्टर्स होते हैं तो 20 बाइट्स लेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि वो 10 बाइट्स की मेमोरी ले रहा है। ठीक है, साइज 10 यहाँ पे लिया। ठीक है, क्लियर, आया समझ में। तो इस प्रकार से वो एक लीनियर मेमोरी एलोकेशन इसका होता है और कंटिन्यूस फॉर्म में ही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि इंट को कहीं और मेमोरी मिली है, कैर को कहीं और मेमोरी मिल गई है और सैलरी को कहीं और मेमोरी मिल गई, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कंटिन्यूस मेमोरी मिलेगा क्योंकि वो एक सिंगल डेटा टाइप है। कभी भी सिंगल डेटा टाइप को कंटिजियस मेमोरी ही मिलती है। ठीक है, समझ में आया। कहाँ मेमोरी मिलेगी, रैम पे। ठीक है, रैम पे ही मेमोरी मिलेगा। ठीक है, आगे समझ में। ठीक है, मेमोरी स्ट्रक्चर समझ में आया अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे इस डायग्राम को देखो, स्ट्रक्ट क्या है, कीवर्ड है। ठीक है, ऐसा एरो एरो करके लिख लो। ठीक है, स्ट्रक्ट कीवर्ड है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर टैग बोलते हैं या फिर स्ट्रक्चर नेम बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर नेम लिखो इसका। ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट्स के अंदर में जो लिखे है, आईडी, नेम और सैलरी, मेंबर्स और फील्ड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, दोनों इसको बोलते हैं। ठीक है, कुछ कुछ बुक्स में पढ़ोगे तो फील्ड्स लिखा होगा, कुछ बुक्स में पढ़ोगे तो मेंबर लिखा होगा, किसी बुक्स में पढ़ोगे तो वेरिएबल भी लिखा होगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में इसको मेंबर बोला जाता है। हो गया, लिख लिए, चलो नेक्स्ट आते हैं।
रहा हूँ, डिक्लेयरिंग ए स्ट्रक्चर वेरिएबल, ठीक है, हमने जो स्ट्रक्चर अभी अभी बनाया उसका वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करेंगे या फिर ऑब्जेक्ट उसका कैसे डिक्लेयर करेंगे, वो ध्यान से यहाँ पे देखो, ठीक है। वी कैन डिक्लेयर वेरिएबल फॉर द स्ट्रक्चर सो दैट वी कैन एक्सेस द मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर इजिली। हम लोग जो वेरिएबल बनाएंगे उसी से ही उसके स्ट्रक्चर के मेंबर्स को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग स्ट्रक्चर वेरिएबल नहीं बनाएंगे तो हम लोग उसके तीनों मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। आया समझ में? तो यहाँ पे हमारे पास दो मेथड है, बाय स्ट्रक्ट कीवर्ड विद इन द मेन फंक्शन, ठीक है, बाय स्ट्रक्ट कीवर्ड विद इन द मेन फंक्शन। हम लोग मेन फंक्शन के अंदर स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करके वेरिएबल बना सकते हैं। सेकेंड मेथड है बाय डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, जब हम लोग डिफाइन कर रहे स्ट्रक्चर को उसी समय उसके वेरिएबल को भी वहां डिक्लेयर कर लें, ठीक है। एक एक करके यहाँ पे देखते हैं क्या कैसा यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या बनाया, एक स्ट्रक्ट एम्प्लॉय हमने बना लिया, मतलब एक एम्प्लॉय नाम का एक स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। उसके अंदर तीन मेंबर है, कौन कौन से, आईडी, नेम और सैलरी, ठीक है। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर बन गया, ये हम लोग मेन फंक्शन के बाहर में बनाएंगे, मेन फंक्शन के अंदर नहीं रहेगा, कहाँ पे रहेगा, बाहर में। जैसा फंक्शन डिफाइन करते थे वैसे ही हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, मेन फंक्शन के बाहर में रहेगा। लेकिन इसका जो वेरिएबल क्रिएट होगा, ठीक है, वो हम लोग कहाँ पे करेंगे, मेन फंक्शन के अंदर, कहाँ करेंगे, मेन फंक्शन के अंदर, ठीक है। कैसे करेंगे, लिखेंगे स्ट्रक्ट, ठीक है, एम्प्लॉय, जैसा यहाँ पे स्पेलिंग लिखा है वैसा ही लिखना है, ठीक है। थोड़ा भी गलती की है तो वेरिएबल बनेगा ही नहीं और क्या मिलेगा, एरर मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रक्ट एम्प्लॉय इवन, जितने भी वेरिएबल हम लोग बनाना चाहे कॉमा से सेपरेट करके हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो इस इवन के अंदर तीन मेंबर अवेलेबल होंगे, कौन कौन से, आईडी, नेम और सैलरी, ठीक है। जितने वेरिएबल इसके अंदर बनेंगे सभी के पास ये तीन डेटा मिलेंगे, ठीक है, आईडी, नेम और सैलरी सभी के अंदर अवेलेबल होगा और हर एक वेरिएबल में तीनों के लिए अलग अलग डेटा स्टोर होंगे, ठीक है। और जितने भी वेरिएबल बनेंगे किसी को भी एक दूसरे से लेना देना नहीं होगा, ठीक है, हर कोई एक इंडिविजुअल डेटा स्टोर करेगा, ठीक है। आया समझ में? जैसे आप लोग हो यहाँ पे, सब लोग बैठे हो, एक दूसरे से लेना देना नहीं है, सबका आधार कार्ड अलग है, होता है ना, ऐसा है क्या कि इसका फिंगरप्रिंट इससे मैच कर रहा है, ठीक है, दोनों में सेम फिंगरप्रिंट है, ठीक है। पीजीडी से ज्वाइन करने से पहले तो पता भी नहीं था एक दूसरे के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे सारे, ठीक है। अब सेकेंड टाइप, सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड है जब हम लोग डिफाइन करेंगे स्ट्रक्चर को, ठीक है, जब हम लोग स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे। मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर को डिफाइन किया, ठीक है, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, और यहाँ तीन मेंबर हमने दे दिया, इंट आईडी, कैर नेम और फ्लोट सैलरी, ठीक है। यहाँ सेमी कॉलन लगाने से पहले हमने यहाँ पे क्या कर दिया, वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, वहीं पे वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग को एक पूरा का पूरा लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ी मेन में, ठीक है, मेन फंक्शन में लिखे क्या हम लोग, नहीं लिखे। जब हम लोग इस एम्प्लॉय को डिक्लेयर किए उसी समय हम लोग ने क्या बना दिया, यहाँ पे वेरिएबल बना दिया, ठीक है। हम लोग जितना चाहे यहाँ पे वेरिएबल बना सकते हैं, ठीक है, जितना भी चाहे यहाँ पे वेरिएबल बना सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है, 1 लाख बनाओ, 10 लाख बनाओ, 50 करोड़ बना लो, जितनी मेमोरी है उतनी बना लो, ठीक है, जितना डेटा हम लोग स्टोर करना चाहते हैं उतने डेटा स्टोर कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन इसमें नहीं होती है, ठीक है। आया समझ में? अब दोनों में से बेस्ट मेथड कौन सा है, ठीक है, यहाँ पे देखो, इफ द नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर नॉट फिक्स यूज द फर्स्ट अप्रोच। अगर हमें पता नहीं है कि वेरिएबल्स कितने बनने वाले हैं तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड यूज करेंगे। अगर हमको पता है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स फिक्स होंगे, जैसे मान के चलो 5 वेरिएबल बनाना है हमको या 10 वेरिएबल ही बनाना है, ठीक है, तब हम लोग जब डिक्लेरेशन करेंगे या डिफाइन करेंगे उसी समय हम लोग यहाँ पे वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है, समझ में आया।
जब फिक्स नहीं होगा तो हम लोग मेन फंक्शन वाला यूज करेंगे, अगर जहाँ पे फिक्स है वहां पे हम लोग एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन वहीं पे हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, तो दो मेथड है हम हमारे पास वेरिएबल को डिक्लेयर करने के। ठीक है, लिखो दोनों को।